शर्म आनी चाहिए मालदीव्स के मुइजों को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मालदीव्स के खुद लोग कह रहे हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एक पार्टी के लीडर अब्दुल्ला शाहिद जी, जो कि पहले यूएन जनरल असेंबली के फॉर्मर प्रेसिडेंट तक रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे टाइस काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है, लेकिन अभी जो नई सरकार आई है मुइजों की, इसने इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसे ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है। ये खुद उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पहले तक तो हम काफी अच्छे नेबर्स थे, लेकिन जब से ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो बनकर आए हैं, बद से बदतर हालात होते चले गए। प्रो चाइना लीडरशिप के अंडर में ये अपनी कंट्री को ही बेच खाएंगे। लेकिन भारत ने एक और काफी चौंकाने वाला फैसला ले लिया है, जिसने मालदीव्स के मुइजों को तो हिला दिया है। मुइजों ने कहा था कि 10 मार्च तक अपने सारे मिलिट्री पर्सनल्स को ले जाना और उसके बाद फिर नॉर्मल सिविलियंस को लाना इनके रिप्लेसमेंट में। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने तो 10 मार्च की डेडलाइन से पहले ही सिविलियंस की टीम को भेज दिया मालदीव्स में, और मिलिट्री पर्सनल भी वहां पर अभी तक है। और ये इनके घमंड को तोड़ने के लिए एक काफी अच्छा स्टेप है। अगर यूं ही इनका एटीट्यूड रहा ना, तो भारत की साइबर टीम भी बैठी हुई है। एक अटैक में तो इनकी पूरी होम मिनिस्टर का वेबसाइट हैक कर लिया था, और अब जो दूसरा अटैक करेंगी, तो मालदीव सोच सकता है कि ये कितना ज्यादा सीवियर हो सकता है। अगर इनकी ग्रिड पर ही सीधा अटैक कर दिया तो इनका बिजली पानी मुश्किल हो जाएगा। और वही इंडिया से बैठे बैठे बिना कुछ किए सीधी मालदीव्स की इकोनॉमी को कैसे ठप्प करना है, ये भारत को भी पता है। लेकिन भारत की ये जो टीम है ना, जो सीक्रेटली अटैक कर रही है, अभी तक उस कगार तक नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से मालदीव्स के मुइजों का ये व्यवहार नजर आ रहा है, लग रहा है कि बहुत जल्दी सेकेंड साइबर अटैक भी हो सकता है भारत की तरफ से। वैसे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप भारत की जो सीक्रेट साइबर अटैक वाली टीम थी, जिन्होंने अटैक किया मालदीव्स की वेबसाइट पर, क्या ये सही किया? Let us know in comments below.